नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदिश में। दोस्तों, बहुत धमाकेदार न्यूज है, कल हमारा के एक्सचेंज लाइव हो गया। दोस्तों, यह कीवो फैमिली के लिए बहुत ग्रेट न्यूज है दोस्तों, क्योंकि जो के एक्सचेंज है वह ब्लॉकचेन कीवो का ब्लॉकचेन पर कीवो स्कैन डॉट ओ आर जी पर आधारित होगा। जो कीवो का ब्लॉक चेन है उस पर वह रन कर रहा है। तो दोस्तों, यह कीवो एक ऐसी क्रिप्टो कंपनी भारत की है जो अपना खुद का ब्लॉक चेन लेके आई है। अभी तक भारत में किसी के पास अपना खुद का ब्लॉक चेन नहीं है। तो दोस्तों, यह इसका खुद का ब्लॉक चेन है और खुद की अपनी क्वाइन है और खुद की अपनी अब तक की क्रिप्टो में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। दोस्तों, कीवो जो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है आगे, यह जो के एक्सचेंज है बहुत ही धमाल मचाने वाला है। दोस्तों, कल विशाखापट्टनम में बहुत बड़े फंक्शन में इसका जो उद्घाटन, मतलब इसको लाइव किया गया, के एक्सचेंज को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी खबर है। और जो कीवो फैमिली है, जिसकी डिमांड थी, जिसको बहुत दिनों से इंतजार था कि के एक्सचेंज कब आएगा, अंततः वह घड़ी आ गई और फाइनली यह लॉन्च हो गया। दोस्तों, इसमें आपको जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनकी केवाईसी कंप्लीट है, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उन लोगों को वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वहां पर आपको जो भी आपको प्रोफाइल अपडेट, के जी आई एन नंबर अपडेट, केवाईसी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको कंप्लीट करनी होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि के एक्सचेंज में 500 से ऊपर का ही रेट रहना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि के एक्सचेंज में क्वाइन को कैसे ले जाना है, उसका रोड मैप पहले ही सीएमडी सर ने आपको बता दिया है कि आपकी जो सेविंग अकाउंट में सेलेबल क्वाइन है वह बीसीटी एक्सचेंज में जाएगी। दोस्तों, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको क्वाइन कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हर साल आपको बेचने के लिए क्वाइन जनरेट होती रहेगी। यह दुनिया का ऐसा पहला कॉन्सेप्ट है। और भी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आपको क्वाइन आपको मिल गई, आपने बेच कर ख़त्म कर लिया, बट यहाँ पर आपको हर साल क्वाइन मिलेगी। और आप उसको ये नहीं होगा आपको कि कभी मेरी क्वाइन ख़त्म हो गई और मैंने तो बेच दिया इतने ही रेट में और अब रेट ज़्यादा हो गया, तो आपको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर साल क्वाइन रिलीज होती रहेगी, लाइक ए फार्मर, जैसे एक फार्मर है हर साल अपने खेत से, अपने फील्ड से अनाज पैदा करता है, उसी तरह से सेविंग अकाउंट जो है एक फार्मर की फार्मिंग है, वहाँ से हर साल सेलेबल क्वाइन जनरेट होती रहेगी, सेलेबल क्वाइन पैदा होती रहेगी और आप उसे बेचते रहेंगे। तो दोस्तों, जो सेलेबल क्वाइन होगी आपके सेविंग अकाउंट में, उसे आप बीसीटी में ट्रांसफ़र करेंगे, बीसीटी से क्वाइन आपकी वैलेट एक्सचेंज में जाएगी, वैलेट एक्सचेंज से आपकी क्वाइन के एक्सचेंज में जाएगी और के एक्सचेंज से आपकी क्वाइन जो आपके अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं, जैसे बाइनेंस, वजरेक्स, पैंकेक्स्वैप, यूनिस्वैप, इस तरह के एक्सचेंजों पर आपकी क्वाइन के एक्सचेंज से जाएगी। तो दोस्तों, यह है क्वाइन का रोड मैप। दोस्तों, जो यूटिलिटी में क्वाइन जाएगी वह भी बीसीटी के बाद ही जाएगी। जैसे बीसीटी में जो क्वाइन परचेज की होगी वही यूटिलिटी में क्वाइन जाएगी, जैसे माइनेट में या आगे वी टावर में या और भी जो भी यूटिलिटी के प्रोजेक्ट आएंगे।
तो सबसे सेविंग अकाउंट से क्वाइन ले जाए, सेविंग अकाउंट से जो आपकी क्वाइन है वह BCT में ही ट्रांसफ़र होगी, यह कंपलसरी है। और सभी को अपनी जो क्वाइन है उसे BCT में हर महीने ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए, क्योंकि हर बार वह 12 से डिवाइड होके जाएगी। ये नहीं कि आपने इस महीने का कोटा नहीं भेजा तो अगले महीने डबल कोटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर महीने सिंगल कोटा ही मिलेगा वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो के एक्सचेंज है वह ग्लोबली लाइव हो गया, और इस पर आपको अब जो लोग अभी सोए हुए थे वो लोग अब उन लोगों को एक्शन में आने की ज़रूरत है, और अपनी जो लोग KYC कंप्लीट नहीं किए हैं उन लोगों को KYC कंप्लीट करना होगा कीबो में, तभी अपनी क्वाइन को यूज कर पाएंगे। और जो अभी बच्चे हैं उनकी KYC को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वे लोग अपनी KYC पहले माई एडिट प्रोफाइल ओल्ड, फिर माई एडिट प्रोफाइल न्यू, और उसके बाद KYC अपडेट या कंप्लीट करेंगे, तभी आप अपनी क्वाइन को यूज कर पाएंगे, वरना आप अपनी क्वाइन को यूज नहीं कर पाएंगे। अब P2P का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, ID to ID ट्रांसफ़र का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। आपको आप KYC करेंगे तभी आप अपनी क्वाइन को जो BCT एक्सचेंज में भेज पाएंगे। तो जिनको भी अपनी क्वाइन यूज करना है, सबसे पहले उन्हें अपनी KYC कंप्लीट करना होगा और ध्यानपूर्वक कंप्लीट करना होगा, और तीनों पहले ओल्ड फिर न्यू फिर KYC अपडेट, और जो भी आपको बदलना है, जैसे कई लोग एक ही नंबर कई ID में लगा दिए हैं तो उसको बदलना है, तो आपको सबसे पहले वह मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें अपने सामने रखकर आप उसको फिलअप करेंगे। और एक ही बार, ये नहीं कि आप आज मोबाइल नंबर बदल रहे हैं कल आधार कार्ड बदल लेंगे, तो नहीं होगा। एक ही बार जितनी भी चीज़ें बदलनी है सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही ज़बरदस्त है कि कीबो का के एक्सचेंज लाइव हो गया, और यह बहुत जल्द ही आपको अदर एक्सचेंजों पर भी 30 तारीख तक दिखने लगेगी, और 30 तारीख तक आप के एक्सचेंज पर पूरी तरह से वर्क कर पाएंगे। वहाँ पर किसी भी एक्सचेंज से क्वाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से किसी एक्सचेंज पर क्वाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है के एक्सचेंज। तो दोस्तों, के एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है इंडिया का जो खुद के ब्लॉकचेन पर आधारित है। कीबो का ब्लॉकचेन kibo.scan.org इसका एक्सप्लोरर है। तो दोस्तों, यह के एक्सचेंज कल फाइनली लाइव हो गया, यह कीबो फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज है, और इस पर आपको अब अपनी टीम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और धीरे धीरे अपनी जो क्वाइन है BCT से KYLET और KYLET से फिर के एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना होगा। उसको आप को पता है कि जो BCT में क्वाइन बाय की होगी वही वॉलेट एक्सचेंज में जाएगी, जो वॉलेट एक्सचेंज में बाय की होगी वही के एक्सचेंज में जाएगी, और जो के एक्सचेंज में क्वाइन बाय की होगी वही बाइनेंस, वही वजरेक्स, वही सन क्रिप्टो में जाएगी। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कीबो।